टू अवर चैनल। जैसे कि आप देखते हैं हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं मंडे को, इस बार हम थोड़ा चेंज लाए हैं। हमारी वीडियोस आप देखेंगे मंडे को भी और वेनेसडे को भी। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखें आज और फिर इस वेनेसडे को प्लीज फिर आइए इसी चैनल में, तो वीडियो फिर अपलोड होगी वेनेसडे को। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आम इंसान बालिग होने के बाद अपने सवाल किससे पूछे। तो इसी टॉपिक तो देखते हुए आज फिर हमने पप्पू भाई को इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। आपका सवाल ये है कि आम इंसान जब बुलूगत को पहुंचे, बालग हो जाए, तो उसको अपने शरी मसाइल या जिन चीजों का उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है वो किससे पूछे और किससे उसको शेयर करनी चाहिए। देखें, ये इंसान की एक फितरत है, इंसानी फितरत है। बंदा बचपन से जब बुलूगत को पहुंचता है तो उसके साथ शरी मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर फ़राइज़ वजवात सुन्नतों का लागू हो जाता है। तो हमारा माशरा एक ऐसा है कि हम शर्माते रहते हैं और हम बहुत सारी बातें शर्म की वजह से पूछते नहीं हैं, और हम वैसे ही बस छुप करके एक दोस्तों से बात करते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता। अगर मसलन जब बंदा बालग होता है उसके साथ दो तीन शरी मसाइल हैं, लड़की है उसके साथ ऐज का मसला है, तो लड़का है तो उसके साथ भी जो है इस्लाम भी है, शरीयत का भी निज़ाम है, यानी उसके जिस्म की पाकी साफी है। और बंदे को इन मसाइल में कोई भी शर्म नहीं करना चाहिए। अव्वल बात तो यह है, वालदैन को अपनी औलाद का दोस्त होना चाहिए और वालदैन ये कोशिश करें कि अपनी औलाद के साथ ऐसे दोस्ती हो उनकी, यानी दोस्त का मतलब इस तरह से उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि वो अपनी औलाद को खुद समझाएं कि ये बुलूगत के बाद किन चीज़ों का अगर इत्लाम हो जाए तो बंदे को गुस्ल के फ़ायदे हैं, नाना है, और किस तरह से नहाने में गुस्ल करने में क्या क्या करना है और किस वक्त हमने गुस्ल करना है, क्या इत्लाम होने के बाद एक हफ्ता बाद हम करेंगे या फौरन हमें करना चाहिए। और अगर औरत है, लड़की है, वो बुलूगत को पहुंचती है, हैज के मामलात है। देखिए, हम लोग शर्माते हैं, अल्लाह नहीं शर्माता। अल्लाह कुरान में भी कहता है कि अल्लाह ने कुरान में या सलमुना कानून मकीद, अल्लाह कहता है कि ये आपसे हैज के बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिए कुल हुआ अज़ल्फा ताज़िलुनसा फिल मकीद। अल्लाह यानी बात करते हुए अल्लाह नहीं शर्माता। अल्लाह कहता है कि मुझे कोई बात किसी भी मच्छर के पार के बराबर ही मिसाल देने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। तो अल्लाह तो मिसालें बयान करता है, कदाल के यज़रबुल्लो बियादा मसाला। अल्लाह जो है बात करते हुए, अब हमारी जुबान नहीं है अरबी और हम समझते हैं कि बड़ा शर्म है वालदैन में या हमें, कुरान पाक में इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। इवन औरत के साथ मियाँ बीवी के आपस में तलकात का भी कुरान में जिक्र है। तो हम शर्माते रहते हैं। औलाद वालदैन को ये चाहिए अपनी औलाद पर नजर रखें और अपनी औलाद को सही तरीके से गाइड करें जब वो बुलूगत को पहुंचे। होता क्या है पप्पू भाई, बात ये आ गई है कि औलाद और पेरेंट्स के अंदर एक चीज का डिफरेंट है, तो वो कैसे पूछ सकते हैं हमारे माशरे में। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सब चीज़ों को खोल करके बयान कर दिया, अब हम अजमी लोग हैं, हमें अरबी नहीं आती है, हम शर्माते हैं। अच्छा, उसका जो वल्दैन और औलाद के दरमियान जो फ़र्क है ना, इस चीज़ों का दरमियान में एक वक्फा है, उसके नुकसान क्या होते हैं, वो किसी अपने यार दोस्त से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर वो गलत, वो आगे से वो खुद भी अनपढ़ है, यार दोस्त भी अनपढ़ होते हैं, वो भी आगे से अपनी तरफ से एक मसला बता देंगे, अपने से ही कह देंगे। या तो जब बंदा बालग होता है उसको किसी आलम दीन से पूछना चाहिए या अपने वालदैन से पूछना चाहिए। ये अपने यार दोस्तों में जब कहते हैं फिर उसका एक गलत पहलू भी चला जाता है, अब फिर वो उसके दोस्त, उसकी सहेलियाँ जो है उसको एक गलत रंग भी चढ़ा देते हैं, फिर उसको एक मिसगाइड करते हैं, गलत पटड़ी पर औलाद चढ़ जाती है। लिहाजा अपनी औलाद की तरबियत में किसी भी बात में शर्माने का जो नुकसान है वो वालदैन को बाद में भुगतना पड़ता है। जब मसलन लड़की है, लड़की अपनी सहेली से बात करेगी, सहेली उसको गलत रास्ता बताएगी, उसकी सहेली उसके लिए कोई और यार दोस्त पैदा कर लेगी, वो फिर उनके लिए वालदैन के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, लड़की का कहीं लव चल पड़ेगा, कोई अफेयर चल पड़ेगा। इसी तरह लड़का है, वो गलत लड़कों से, गलत लोगों से जब ये सवाल करेगा,
अपने दोस्तों से गलत सोबत में जब ये सवाल उसका होगा तो फिर वो उस लड़के को भी मिस गाइड करेंगे तो वो भी गलत लाइन पर चढ़ जाएगा, जो बाद में वबाल वालदैन के लिए एक वबाल बन जाता है, घर में एक नचाकी का सबब बन जाता है। लिहाजा अपनी औलाद के ऊपर नजर रखें, अपनी औलाद को खुद शरी मसाइल बताएं, खुद नहीं आते अपने मुतलका इमाम से अपने मुतलका आलम से उन सवालों को पूछ करके अपनी औलाद को बताने चाहिए। और औलाद को भी चाहिए कि इन बातों को पूछने में किसी भी बात में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने मुतलका इमाम से आलम से या आलम दीन से या अपने वालदैन से इन चीज़ों को शेयर करके उनसे पूछना चाहिए। कुरान में कहीं भी शर्म नहीं है इन बातों का, तो फिर हमें क्यों शर्माना चाहिए? ठीक है, एहतराम अपनी जगह पर, हम एहतराम करते हैं, एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन ये है कि इसमें ये काम करना चाहिए। प्लीज आप ये वीडियो शेयर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, आगे शेयर करें, और इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में वेनेसडे को। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना